एक सफेद धब्बा बना हुआ यहाँ पे, ऐसे सफेद निशान बन जाते हैं। अब फीमेल्स तो हमेशा अपना नाखून अच्छे से वो क्या बोलते हैं उसको, मैनिक्योर, मैनिक्योर करवाती है, तो उसमें इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके नाखून में कभी भी ये सफेद निशान आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी हो रही है, ठीक है? ये इसका साइंटिफिक रीजन है। और वैसे कहा जाता है कि व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को ना लाचार महसूस करता है, और किसी के पराधीन महसूस करता है, वो कभी भी अपना सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाता। वो ऑर्डर फॉलो करने में अच्छा है, लेकिन कभी कभी किसी को ऑर्डर नहीं दे पाता, ठीक है? तो जब आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, तो आपका हार्ट और ब्रेन का जो फंक्शन है, जो बिल्कुल बेसिक फंक्शन है, उसमें दिक्कत आती है। इस वजह से ना इंसान जो है अपना फोकस अपने सेल्फ डेवलपमेंट में कभी नहीं रहता। हाँ, किसी ने बोल दिया कोई काम कर दो तो कर दिया, बस काफी। अपना ग्रोथ देखना है, अपने लिए काम करते हैं, सेल्फ के बारे में सोचना है, इनके अंदर वो चीज नहीं होती। ये लोग ऑर्डर फॉलो करने में ज्यादा रहते हैं, और बहुत ज्यादा ना अपने लाइफ से एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहते, मतलब एक थोड़ा सा ऐसा निराश, ठीक है यार लाइफ चल रही है चलने दो, कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं करते, कुछ स्पेशल अपने लिए सोचना, भविष्य बनाना है या फ्यूचर देख रहे हैं, वो सब कुछ नहीं करते, बस जय ठीक है लाइफ जैसे चल रहा है चल रहा है, उदासीनता रहती है। नाखून अगर लाल और सुंदर हो, तो जैसे मैंने कहा कि ऐश्वर्यवान और धनवान होता है, नाखून छोटे और लाल हो तो जातक क्रोधी, चिड़चिड़ा और कलह प्रिय, यानी हेलो।